ताज नगरी आगरा पहुंचे सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 में से 80 सीट जीतेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांति व्यवस्था और खुशहाली के लिए बड़े पैमाने पर सरकार कार्य कर रही है, इसकी झलक आपको देखने को भी मिल रही है। का लक्ष्य लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। जनता का जैसा समर्थन हमको 2024 के लिए मिलता हुआ दिख रहा है, वह 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसलिए हम लोग 14 में जो 73 सांसद जीतने का आंकड़ा है उसको भी 24 में पार करेंगे और 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। विपक्ष मुद्दा विहीन है, नेता विहीन है, उनके गठबंधन की गांठ में इतनी गांठ पड़ी हुई है कि वो खोले नहीं खुल रही है। इसलिए विरोधियों के मन में एक डर है, क्योंकि वह परिवारवादी राजनीतिक दल हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। तीसरी बार मोदी सरकार आने से उनके भ्रष्टाचार की जो जांच हुई है उस पर अब कार्रवाई का भी समय आ रहा है और जनता का समर्थन भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में लगातार हमें मिला है। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जहां मध्य प्रदेश में अपनी शानदार वापसी करेगी, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम लोग 2023 की इस विधानसभा चुनाव में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, ये पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी इतिहास का सबसे शानदार प्रदर्शन करेगी। मिजोरम में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। देखिए, जाति जनगणना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लेकिन जो जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं उनका शुद्ध रूप से चुनाव के समय एक सिगुफा है। ऐसा एक तरह से वह शस्त्र लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें धार ही नहीं है। जब यह सत्ता में थे तब इन लोगों ने कुछ किया नहीं, जब सत्ता में नहीं है, 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, तब इन्हें पिछड़े वर्ग की याद आएगी, फिर अनुसूचित वर्ग की याद आएगी, उसके बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग की याद आएगी, फिर गरीबों की याद आएगी, फिर महिलाओं की याद आएगी। लेकिन इनकी नीयत खराब है, ये किसी के सगे नहीं है। जब सत्ता में थे किसी का ध्यान नहीं रखा, जब सत्ता से बेदखल हो गए तब इस प्रकार के यह विषय उठा रहे जिसे जनता नकार चुकी है। कितना सही है आप लोग पता करिए, शायद उनका जो मुकदमा है माननीय न्यायालय के समक्ष वह नकार दिया गया है और शायद मैं अभी अधिकृत नहीं बोल रहा हूँ, आप देख करके अभी वो चूंकि मामला अदालत में है और अदालत ने ही जब उसको नकार दिया है तो हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यह ध्यान में रहे सबके कि जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं, वो चाहे मोहम्मद आजम खां हो और या कोई और। सर, इंडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के बारे में यही कहूंगा कि भारत इस समय प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इंडिया के नाम पे जो तथाकथित ठगबंधन है उसका आपस में ही मैं अभी देख रहा था, कल सपा और कांग्रेस के बीच में दूरियां बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो खैर, हमको सपा और कांग्रेस की दोस्ती और दुश्मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह सारे लोग 2019 में मिलकर के भाजपा के खिलाफ लड़ चुके हैं और भाजपा उस समय भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है और देश में हम 300 से अधिक अकेले भाजपा के सांसद जीते थे और यह आंकड़ा 2024 में बढ़ेगा और 2019 से भी बड़ी विजय लोकसभा में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।